राजस्थान के एक एक नागरिक का, राजस्थान के एक एक निवासी का आशीर्वाद है विजय जी और जनता पार्टी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, जो विकास की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, आगे हम राजस्थान को अमृत काल में ले जाने की जो गारंटी है, एक एक राजस्थानी को सक्षम बनाने की गारंटी है, ये राजस्थानियों के दिल में बस गई है। इसीलिए अपार जन समूह भी है और अपार आशीर्वाद भी है। किस तरह का तैयारियां रहेंगी? सबसे बड़ी देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर कुशासन हुआ, उसकी उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार सुशासन नहीं ला सकी, लेकिन जिस हद तक भ्रष्टाचार हुआ, जिस हद तक यहाँ पर अलगाववादी आए, तुष्टिकरण हुआ, इसकी कतई उम्मीद थी। और जनता को जिस तरह से लूटा गया, इस बार जनता उसका हिसाब किताब लेकर रहेगी। राजस्थान के अंदर नहीं, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमृत काल का विजन है, देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ राजस्थान भी आगे बढ़े, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा संकल्प रहेगा, हमारी प्रतिज्ञा रहेगी। घर घर पीने का पानी, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो और राजस्थान सबसे प्रथम राज्यों के अंदर हो, ये हमारा संकल्प और प्रतिज्ञा है। पूर्व प्रत्याशी वहां से रहे, विधायक रहे, राजपाल सिंह जी के समर्थक आए, तो कर रहे हैं टिकट बताओ। देखिए, ये शुरू के दिन में था, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र सबसे पहले, और राष्ट्र हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर अगर पूरा कैबिनेट भी हटा दिया जाए तो भी चू नहीं होता। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, आज मुझे मिली है, कल किसी और को मिलेगी, मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा जो राजनीतिक अस्तित्व है वो पूरा का पूरा 100% प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं सेना में था, सेना को पूरा समर्पित था, खेलों में रहा, खेलों में पूरा समर्पित रहा, आज देश सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं, तो पूरी तरह समर्पित है। और इस इतनी त्याग तपस्या राजस्थान ने देखी है, किसी को टिकट मिले ना मिले वो तो बहुत छोटी सी बात है। आज जितेंद्र जी हमारे साथ आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय को संभालते हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, ये केंद्र की शक्ति हमारे साथ है। मैं जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि वो आज यहाँ पधारे। राज्यवर्धन जी, अभी जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी लगातार है वो पूरे राज्य में आपके मतलब दो समाजों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश। कानून व्यवस्था तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हाथ में थी। किसने कहा था उनको कि सनातन को डेंगू कहें, सनातन को मलेरिया कहें? ये तो इंडिया अलायंस इकट्ठे होकर उन्होंने कहा है। हम तो अभी भी पूरी तरह संकल्पित है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक एक नागरिक को आगे बढ़ाना चाहती है, कोई भेदभाव नहीं करती। यहाँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है कि अलग आदेश निकालती है, खास समुदाय का त्योहार है, बिजली नहीं कटनी चाहिए, और एक समुदाय के लिए धारा 144 लगा जाती है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के समय भी, आप रिसर्च करिएगा, अंग्रेजों के समय भजन कौन सा बजेगा उसकी अनुमति अंग्रेजों से लेनी पड़ती थी क्या? लेकिन आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लेनी पड़ती है। किस तरह से ध्वस्त करे गए मंदिर, राम दरबार गिराया गया, इतने दंगे हुए, गर्दन काटी गई, राजस्थान ही बचा था अलगाववादियों को आने के लिए। हम तो पूरी तरह तैयार है, एक जीवन है, उस जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया है। एक एक भाजपा का कार्यकर्ता अलगाववादी 3 तारीख से पहले पहले निकल जाए, क्योंकि उसके बाद दशहरा जो 25 नवंबर को बनने वाली है, दोबारा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, एक एक राजस्थान का नागरिक दर्ज करेगा और दशहरा फिर से मनाएगा। 3 तारीख को दिवाली मनेगी और दिवाली के बाद राम राज्य जब राजस्थान में स्थापित होगा, ये अलगाववादी दिखाई नहीं देगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राज्यवर्धन सिंह जिंदाबाद, 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 राज्यवर्धन सिंह जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। गारंटी का काउंटर आपने भी गारंटी से दिया है आज? नहीं भैया, गारंटी गारंटी में फर्क होता है, व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होता है।
चाइना माल को कोई गारंटी होती है क्या? कांग्रेस की कभी गारंटी हुई है? पिछले 1970 से इनकी गारंटियां चलती आ रही हैं। देश को धकेल कर एक परिवार को आगे बढ़ाना, इनके गारंटी के पीछे यही वारंटी है, एक परिवार को आगे बढ़ाना। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की ताक त्याग तपस्या पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसा नेतृत्व मिला है जो दशकों से सदियों से नहीं था भारत के पास। और अब तो तारीख देकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि जब 100 वर्ष पूरे होंगे उसमें राजस्थान शामिल होगा। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता बदली होते रहते, प्रत्याशी बदली होते रहते हैं, टिकट बदली होते रहते हैं, लेकिन कमल का निशान परमानेंट है, परमानेंट रहेगा और लगातार जीतता रहेगा।